हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस करते हैं, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए तीन बार, सात बार। मानो या ना मानिए, ये जिनके बारे में आप सोच रहे ना वो पर्सन के साथ आपका यूनियन तो है, लेकिन यूनियन है ना, हाँ यस, ये यूनियन है ना, एक होता है ना यूनियन जब आपकी तरफ से होगा, मैनिफेस्टेशंस की वजह से होगा या एक डिवाइन टाइमिंग के रहता है, तो ये यूनियन है ना इनके मैनिफेस्टेशंस या इनकी वजह से हो रहा है। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, स्पेशली जैसे ना एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इनको। हाँ यस, इमोशनल और हर तरीके से प्यार ही प्यार है, लेकिन इस इंसान को ना अपनी गलतियाँ भी नज़र आती हैं, गलतियाँ नज़र आती हैं, लेकिन ये इंसान अभी खामोश है, क्योंकि जो भी इंसान है ना ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एंग्जाइटी की एनर्जी में है। पहले तो उनके लाइफ के पंगे हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन अजीब सी एंग्जाइटी ये है कि इन्होंने इनको आपको खोने का डर लग रहा है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है इनको बार बार ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है, या फिर एहसास हो रहा है, या फिर विजन्स आ रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ तो इंडिकेशंस मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, या तो अपनी लाइफ में आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, या तो कुछ भी हो जाए, या आपने मूव ऑन कर लिया हो या नहीं हो, या कोई और भी हो, लेकिन आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, इस बात से ना अजीब सी घबराहट हो रही है। ये चाहते नहीं थे इनके लाइफ में ना वक्त गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए, सब चीज़ के लिए आसपास एनर्जी है, लोग हैं, ये आज तक ऐसे ही मस्त मोली ज़िंदगी जीते आ रहे थे, लेकिन समाओ इस बार ना कुछ अजीब सा बदला है, अजीब सा बिगड़ा है। काफ़ी हद तक ना जलन की एनर्जी भी है, यस, जलन की एनर्जी। जलन ऐसे ना कि जैसे आप आपको ये खोना नहीं चाहते, आप किसी और के हो जाओ या आप इनको भूल जाओ, दोनों भी सूरत में इनकी जलन बढ़ जाती है। ये कुछ कह नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते, उस वजह से ये सोल झटपटा जाता है। बट फिर ये इनका काम है ना एनर्जी वाइज शुरू होता है, इनडायरेक्टली सही, इनडायरेक्टली सही, या फिर एक्चुअली हरकतों से। ए इनिशियल हो सकता है इनका, एन एन इनिशियल हो सकता है, और भी हो सकता है। इनकी एनर्जी में ना स्ट्रांगली आपको मनाने की, आपको रिझाने की, आपको पटाने की, या फिर मैनिपुलेट करने की एनर्जी दिख रही है। साम दाम दंड भेद, जिस तरह से आपको मना सकते हैं, जैसे कि अगर शुरू शुरू की बात है, कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, तो बस आपको बहुत प्यार से मनाएंगे, कुछ गिफ्ट है, कुछ मतलब एक स्पेशल फील करवाना है, स्पेशल तो फील करवाना चाहते हैं, गिफ्ट भी देना चाहते हैं, नो डाउट ये है, वो एनर्जी है ही है, क्योंकि ये ऐसा लगता है ना कि आपको स्पेशल फील करवा के ना ये खुद स्पेशल फील करेंगे। आप दोनों का मिलना ना एक दूसरे के लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल फील कराता है, बहुत स्पेशल फील कराते हैं, ये दिखाए ना दिखाए, माने ना माने, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक मैनिपुलेशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है कि इन्हें पता है कि इनकी गलतियाँ, इनका
बिहेवियर, इनकी बातें, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। इनको पता है कि इन्होंने ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। रियलाइजेशन बाद में आया है, अभी आया है, क्योंकि जिस तरह से इनकी हरकतें थी ना, ये बहुत गलत कर चुके हैं, मतलब एक गलत वक्त पे आपका साथ छोड़ना हो या कुछ गलत बोलना हो, इंटेंशनली नहीं सही, बट समाओ कि भाड़ में जाओ या फिर मैं क्या करूँ, तुम्हें जो करना है करो, या ये भी हो सकता है, कुछ तो ऐसा है जो इन्होंने ना साथ नहीं दिया है, गलत बोला है, गलत किया है, साथ नहीं दिया है। अभी इनको वो चीज़ खटकती तो है ऑफकोर्स, लेकिन इन्हें एक बात ऐसा लगता ना कि आपको ये मना सकते हैं, मना सकते हैं। टी इनिशियल हो सकता है इनका। बहुत खूबसूरत इमेज बनी है जहाँ पे दोनों साथ में बैठे हैं, आप लोग दोनों साथ में बैठे हैं, और स्पेशली ना आपके ऊपर एंजल्स का साया है, इनके ऊपर नहीं है, एंजल का साया ना आपके ऊपर है। आपकी एनर्जी में फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लव केयर, लेकिन आप उस एनर्जी को ना अभी किसी पर भी लुटाने को तैयार नहीं है, जैसे कि इन्हीं के लिए वो संभाल के रखी थी, इन्हीं के लिए वो हमेशा से इन्हीं की ही थी। अगर आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो, इनको भुलाना चाहते हो, किसी और के होना चाहते हो, फिर भी जो एनर्जी इनके लिए है ना, वो आप किसी और को देना नहीं चाहते, यहाँ पे जैसे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें, मतलब लिटरली जैसे ने एक प्रोटेक्शन एयर लेयर ये करके रखा है, स्पेशली वो चीज़ फील हो रही है। यस, एंजल नंबर दिख रहा है आपको, या फिर एंजल्स का होने का, जैसे जो भी आप ईश्वर यूनिवर्स में मानते हैं, उसका ना कभी कभी इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, और ये आपको ना दिलासा दिलाया जा रहा है कि आपके लाइफ में ना जो होगा अच्छा ही होगा, आपके लाइफ में अच्छा ही होना है। एक ऐसा लग रहा है ना कि एक हीलिंग की एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, अगर आपने सरेंडर किया है, अगर आपने उस ऊपर वाले पे विश्वास किया है, जो भी ऊपर वाले पे आप मानते हो, उसके ऊपर से ना वहाँ से हीलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। इनकी तरफ से ना मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन एनर्जी, मिसिंग एनर्जी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा है, और ये आपको फील हो रही है या होगी। ये इंसान कितना भी झूठ बोले या कुछ भी हरकतें करे, हाँ ये इनकी तरफ से हो सकते हैं ना, ये स्टॉकिंग की एनर्जी है, और हो सकता है ना सोशल मीडिया पे ट्रिगर करने वाली हरकतें भी शुरू हो सकती है आपको, जैसे आपको गुस्सा दिलाया जाए या आपको एहसास दिलाया जाए कि ये कुछ कहना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, या ये अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि इस बार आप है ना, मतलब पहले ना एक झटके में ना आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आता था, या मानते थे आप, या फिर ऑनर सिचुएशन में भी आप खुश रहते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा है, और स्पेशली ना आपकी तरफ से एक अजीब से डिस्कनेक्ट एनर्जी है ना, वो इंसान को ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, इस इंसान को। ऐसा लगता है कि ये इंसान है ना झुकने वालों में से नहीं है, और इन्होंने ही आपको हमेशा झुकाया है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे अभी ऐसे हालात ही बन रहे हैं कि इनको झुकना पड़ेगा, इस प्यार के आगे, इस एनर्जी के आगे झुकना पड़ेगा।
झुकना पड़ेगा, ये आएंगे जरूर और झुकते ही आएंगे। ये अभी जिस तरह से हरकत में है या एनर्जी में है ना, वो मैनिपुलेट करना और अपना हुक्म चलाना, क्योंकि इनको पता है कि ये पर्सन इनके लिए जो आपका प्यार है वो आपकी कमजोरी है, ये समझते हैं और ये मानते हैं आपकी, आपके प्यार को मानते हैं, सब कुछ है। लेकिन ये इंसान है ना अपनी हरकतों में इतना उलझा हुआ है ना, मैनिपुलेशन, जलन, बहुत सारी चीज़ें, ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और ख़ास करके आपके खून, आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। और ये एक्चुअली ना बिलीव नहीं कर पा रहे कि कल तक मेरे आगे पीछे घूमने वाला इंसान ऐसे कैसे हो गया, मतलब ऐसे कैसे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रिस्पॉन्ड ना करें। मैंने कहा ना मैजिशियन की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इनसिक्योरिटी, मैंने बोला जलन, इनसिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा है। सो डेविल, मैंने ये भी कहा था ना कि ये ऐसी एनर्जी में ना कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन, हर तरीके से एक मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ, अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और इसमें ना आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये अपने आप से ही आपकी तरफ खींचे चल रहा जा रहे हैं, अपने आप से ही। और जिस तरह से ना, जिस तरह से ये आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, जिस तरह से आपके लिए एकदम अलग ही पुल फील कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है ना आपको पाने के लिए, आपको रिझाने के लिए, आपको पटाने के लिए, आपको मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे वो एनर्जी है। सच नहीं बोल सकते सिर्फ। ये इंसान अजीब है, मतलब यस एक्चुअली ये साइन ऑफ वीकनेस है, यही समझते हैं ना कि आप कमज़ोर हैं, आप इमोशनल हैं इसलिए कमज़ोर है, और जो आपका प्यार है इनके लिए वो आपकी कमज़ोरी है, जिसका फ़ायदा ये कभी भी उठा रहे थे, अभी तक उठा रहे थे, अभी वो चीज़ है। तो उनको अभी तक ऐसा ही लगता था और इसीलिए तो अभी इनको ना विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतने स्ट्रांग और कैसे बन गए, और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इनसे प्यार नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इनको भुला के आगे बढ़ रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उल्टा हो रहा है कि ये आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप भाव नहीं दे रहे हो, ये आपके मतलब आपको पटाने में मनाने में लग चुके हैं, कोशिश तो चल रही है, सोच तो चल रही है। ये रिश्ते में इम्प्रूवमेंट है, आगे ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि ये जब टावर सिचुएशन फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से आपका एहसास, आपके प्यार का एहसास है ना, वो खास हो गया है, खास हो गया है, बहुत ज़्यादा खास। ये आएंगे ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा जलन, इनसिक्योरिटी की एनर्जी है इनकी तरफ, अट्रैक्शन की एनर्जी भी बहुत है, और आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उल्टा दिखा रहे हो, उल्टा दिखा रहे हो। ये भी है कि ये ना मैनिपुलेट करने के लिए बार बार मतलब मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, ये भी ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि अगेन ये ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं ना कि आपको पाने के लिए, आपको मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका गुस्से वाला नेचर है ना, तो ये जानबूझ के इमोशनल हो रहे हैं। ऑफकोर्स इनके लाइफ में है प्रॉब्लम, बट उस चीज़ का ताकि आप ना गुस्सा ना दिखाओ, आप क्वेश्चन ना पूछो, आप सवाल ना पूछो, वो वाली चीज़ है। अगर आप एकदम सॉफ्ट इंसान हैं, प्यार वाले इंसान हैं, तो फिर भाई और भी ज़्यादा प्यार से, और भी प्यार से। तो वैसी एनर्जी है, इनकी तरफ से मूवमेंट होंगे कुछ लोगों के लिए ना, लिटरली विद इन 4 to 8 hours में, और कुछ लोगों के लिए लिटरली 4 days में इनकी तरफ से मूवमेंट होंगे, क्योंकि ये एनर्जी ना नहीं रह पा रही है और मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनकी तरफ से। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।